चैप्टर 19, और चैप्टर 19 रिलेटेड है हमारा एक्सक्रीशन से। चैप्टर का नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो चैप्टर 19 में हमको कुछ जानना पड़ेगा कि हमारा बॉडी कुछ हार्मफुल केमिकल को कैसे बॉडी के बाहर करता है। एक्चुअली देखिए, जब हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, तो बहुत सारे केमिकल यहाँ पर बनते हैं, टूटते हैं, और जब कभी भी कोई केमिकल प्रोसेस होती है तो कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट जरूर बनते हैं। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें, हम प्रोटीन लेते हैं फूड में, प्रोटीन प्रोटीन में जब ये इसका इस्तेमाल होता है, डाइजेशन होता है, तो अमीनो एसिड के रूप में हमारी सेल के पास ये नाइट्रोजन आता है अमीनो एसिड के रूप में। अमीनो एसिड से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, केमिकल कन्वर्जन होते हैं, और कुछ ना कुछ नाइट्रोजन के वेस्टेज बनते हैं, जिस वेस्टेज में नाइट्रोजन होता है, और ये काफ़ी टॉक्सिक होते हैं। वेस्टेज जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड जो बनते हैं बाई प्रोडक्ट के रूप में, इनको बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये हमारी सेल के अंदर ये कंपाउंड इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारी सेल को काम करने में प्रॉब्लम होगा, प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी, और सेल में ज़्यादा मात्रा में अगर ये इकट्ठे हो गए तो सेल की डेथ भी हो सकती है। तो खास तौर पे हमारा जो चैप्टर 19 है, इसका मेन फोकस रहेगा कि ह्यूमन बींग्स स्पेशली अपने नाइट्रोजिनस वेस्टेज को कैसे बॉडी से बाहर निकालता है। केवल नाइट्रोजन के वेस्टेज ही नहीं होते, और भी बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जिनको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। जैसे हमने देखा था ब्लड के प्लाज्मा में, हमने देखा कि वहाँ कैल्शियम आयन होता है, पोटेशियम आयन होता है, सोडियम आयन होता है, क्लोराइड आयन होता है, एक्स्ट्रा वाटर हमारे पास होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारे पास, कुछ फॉस्फेट ग्रुप हो सकते हैं, फॉस्फेट ग्रुप हो सकते हैं, कुछ सल्फर के कंपाउंड सल्फेट ग्रुप हो सकते हैं, तो एक्स्ट्रा कुछ भी है। देखिए, सोडियम क्लोराइड ये हम लोग लेते हैं फूड में, बहुत सारे साल्ट और मिनरल्स ये भी हमारे लिए ज़रूरी हैं, लेकिन जब ये लिमिट से ज़्यादा हो जाएंगे बॉडी में तो ये प्रॉब्लम करते हैं। इसलिए जो भी एक्सेस मटेरियल है, उस एक्सेस मटेरियल को बॉडी से बाहर एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। हमारे बॉडी का इंटरनल जो इन्वायरमेंट है वो एकदम कॉन्स्टेंट होना चाहिए। हम लोग एक शब्द पढ़े थे, होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस में क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूड है उसका पीएच वैल्यू, उसकी कंसंट्रेशन और हमारे बॉडी का टेम्परेचर, ये हमेशा ही कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर ये मिनरल्स यहाँ ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे तो पीएच वैल्यू हमारी बॉडी की चेंज होने लगेगी, पानी ज़्यादा हो गया तो फिर डाइल्यूट हो जाएगा, कंसंट्रेशन आपका डाइल्यूट हो जाएगा बॉडी फ्लूड का। अगर ये कम हो गया तो फिर वो और ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ना तो ज़्यादा वाटर होना चाहिए ना कम होना चाहिए, ना ज़्यादा मिनरल्स होना चाहिए ना कम होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड है ये, इसको लगातार बाहर निकालना ज़रूरी है। नाइट्रोजन के कंपाउंड हैं, इनको भी बाहर निकालना ज़रूरी है। हमारा मेन जो टॉपिक रहेगा वो ये रहने वाला है इस पूरे चैप्टर में कि हम नाइट्रोजिनस वेस्टेज को बॉडी से बाहर कैसे निकालते हैं। तो देखिए, जब हमने अलग अलग लिविंग्स को देखा कि वो अपना नाइट्रोजिनस वेस्टेज कैसे निकालते हैं, तो हमको तीन अलग अलग टाइप के एनिमल दिखाई दिए। तीन अलग अलग टाइप के एनिमल हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रेशन। आखिर वो नाइट्रोजन के वेस्ट कंपाउंड को किस रूप में बाहर निकालते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड, ठीक है, एन कंपाउंड को किस रूप में बाहर निकालते हैं, इसके आधार पे। पहले
जो नाइट्रोजन को अमोनिया गैस के रूप में बाहर निकालते हैं, अमोनिया गैस के रूप में। ऐसे एनिमल जो अपने नाइट्रोजिनस वेस्ट कंपाउंड को अमोनिया गैस के रूप में ही बॉडी के बाहर एलिमिनेट करते हैं, उनको हम बोलते हैं अमोनोटेलिक एनिमल। उनको हम क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिक एनिमल, ये याद रखना है। अमोनोटेलिक एनिमल वो एनिमल है जो अपने नाइट्रोजिनस वेस्टेज को अमोनिया गैस के रूप में बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं। अब ये गैस बॉडी के बाहर निकलेगी, कैसे निकलेगी? एक्चुअली कुछ सिंपल टाइप के लिविंग्स होंगे तो उनकी स्किन से डिफ्यूज होके ये अमोनिया जाएगी। जब सेल के अंदर केमिकल प्रोसेस होंगे तो नाइट्रोजन के कंपाउंड अमोनिया गैस बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे? अमोनिया बनाएंगे। हर सेल अमोनिया बना रही है और वो डिफ्यूज होके बॉडी के बाहर निकलेगी। लेकिन ये बहुत टॉक्सिक गैस होती है। अमोनिया गैस कैसी होती है? बहुत ज्यादा हाईली टॉक्सिक गैस होती है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में इसके आसपास जब ये रिलीज होगी तो यहां पर वाटर बहुत होना चाहिए और वो वाटर के साथ इधर भी वाटर होना चाहिए, तब जाकर ये डिफ्यूज हो पाएगी। तो लॉट ऑफ वाटर एक्चुअली इसमें, ये जो पानी इसके आसपास बॉडी के अंदर पानी है, उस पानी में ये डिजॉल्व होगी और फिर वहां से वो बॉडी से एक्सक्रीट होगी। फिश की बात करते हैं तो फिश में जो भी ब्लड सर्कुलेट होता है उसमें अमोनिया गैस होती है, और जब वो गिल्स के पास से ब्लड निकलता है तो फिर वो अमोनिया पानी में रिलीज हो जाती है। तो बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है इस रूप में नाइट्रोजन को रिलीज करने के लिए। लॉट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू रिलीज अमोनिया गैस फ्रॉम द बॉडी। तो ये केवल ऐसे एनिमल में ये मैकेनिज्म पाई जाती है जो पानी में ही रहते हैं। खासतौर पे एक्वेटिक एनिमल्स में ही ये प्रोसेस देखने को मिलती है, जैसे फिश हो गया आपका, कुछ इंसेक्ट हो गए जो पानी में मिलते हैं, वो केवल फ्रॉग भी हो गया, अगर फ्रॉग पानी के अंदर है तो वो भी ऐसा ही रिलीज कर सकता है। क्योंकि जब अमोनिया गैस निकलेगी तो बहुत सारा पानी भी बॉडी से बाहर निकलेगा, उस पानी में ही वो डिजॉल्व करके उस अमोनिया को बाहर कर सकता है। तो बहुत सारा पानी का लॉस होता है। नॉर्मल टेरेस्ट्रियल एनिमल ऐसा नहीं कर सकते, ये केवल एक्वेटिक एनिमल में ही मैकेनिज्म होता है। तो पहला तरीका आपको समझ में आया कि अमोनोटेलिक ये केवल एक्वेटिक एनिमल में है, चूंकि अमोनिया गैस बहुत टॉक्सिक होती है। ठीक है, दूसरे एनिमल कौन होते हैं? दूसरे एनिमल होते हैं जो सेल ने जब अपने कंपाउंड निकाले, जब सेल ने अपना नाइट्रोजिनस बेस कंपाउंड बनाया तो अमोनिया ही बनाया। ये अमोनिया ब्लड में रिलीज हो गई, ब्लड ट्रांसफर होके पहुंचता है लीवर के पास। ब्लड कहाँ पहुंचता है? लीवर के पास। और ये लीवर वो जगह है जहां पर इस अमोनिया को कन्वर्ट करके या तो यूरिक एसिड बना दिया जाता है या फिर यूरिया बना दिया जाता है। खास तौर पे हम बात करेंगे यूरिया। ह्यूमन बींग्स के अंदर जब हर सेल से नाइट्रोजिनस बेस्ड कंपाउंड ब्लड के साथ फ्लो होके लीवर में पहुंचते हैं तो लीवर उस अमोनिया को कन्वर्ट करके यूरिया बना देता है, और ये यूरिया फिर से ब्लड में रिलीज हो जाता है और फिर ये पहुंचता है किडनी के पास, और किडनी क्या करती है? ब्लड को अलग कर देती है और यूरिया निकालकर अलग कर देती है। यूरिया को छान लेती है हमारी किडनी, और ये हमारा नाइट्रोजिनस बेस्ड कंपाउंड यूरिया के रूप में यूरिन में डिजॉल्व होकर बॉडी के बाहर हो जाता है। एक्चुअली कुछ पानी की जरूरत है इस फॉर्म में भी, पानी के साथ घोलकर ही यूरिया को बॉडी के बाहर निकालते हैं। और जब वो वाटर हमारी बॉडी से बाहर निकालता है जिसमें एक्सेस वेस्ट मटेरियल है, स्पेशली यूरिया है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं यूरिन। यूरिन जो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, एक्चुअली उसका मेन उद्देश्य है कि हमारे बॉडी के नाइट्रोजिनस वेस्ट कंपाउंड यूरिया के रूप में बॉडी से बाहर हो जाए। और ऐसे एनिमल को हम बोलते हैं यूरियोटेलिक एनिमल, यूरियो जिसमें यूरिया निकलता है। ठीक है, यहां पर भी पानी की जरूरत है,
इस फॉर्म में भी निकालने के लिए, लेकिन कंपेरेटिवली बहुत कम पानी की जरूरत है। पूरे दिन भर में हम लगभग 1.5 से 2 लीटर पानी हमारे बॉडी से बाहर निकालते हैं अपना यूरिया रिलीज करने के लिए, तो इतना तो चलता है। फिर भी और भी ये जो तरीका है, कुछ जो लिविंग्स हैं, हमारा जो ह्यूमन बीइंग्स है वो इसी में आएगा। ह्यूमन बीइंग्स या और जो भी आपके हायर वर्टिब्रेट हैं, खासतौर पे हम ममेलिया की बात करते हैं, तो ज्यादातर सब ममेलिया कैसे होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं। बर्ड्स की बात करते हैं, पक्षियों की, पक्षियों का जो यूरिक एसिड होता है वो एक्चुअली बहुत कम पानी रिलीज करते हैं। ये सबसे लेस टॉक्सिक होता है, बहुत कम, इसको तो पानी की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती। एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट जो ये बीट करते हैं, उसी में जो व्हाइट व्हाइट कलर का जो पिगमेंट होता है वो यूरिक एसिड होता है पक्षियों के। तो कभी भी आपने पक्षियों को यूरिन करते हुए नहीं देखा होगा, बल्कि वो केवल बीट के रूप में अपना यूरिक एसिड रिलीज कर देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजिनस एक्सक्रेटरी कंपाउंड में सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन है, तो आंसर आएगा अमोनिया। सबसे कम टॉक्सिक कौन है, तो आंसर आएगा यूरिक एसिड। जो जितने भी पक्षी हैं वो यूरिक एसिड के रूप में ही अपना एक्सक्रेशन करते हैं, इसीलिए इन लिविंग्स को हम बोलते हैं यूरिकोटेलिक। देखिए बस यहां पर थोड़ा सा अंतर आया, ये यूरियोटेलिक है, ये यूरिकोटेलिक है, क्योंकि ये यूरिक एसिड के रूप में बॉडी से बाहर एक्सक्रेशन करते हैं, अपने कंपाउंड को यूरिक एसिड के रूप में निकालते। सबसे कम पानी का यहां पर नुकसान होता है, बहुत कम वाटर, लेस वाटर इज रिक्वायर्ड। यहाँ थोड़ा मीडियम वाटर चाहिए, और जो अमोनिया है वहाँ तो बहुत लॉट ऑफ वाटर वहाँ पे उसको चाहिए रिलीज करने के लिए। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट देर आर 3 टाइप्स ऑफ लिविंग्स। वन आर द अमोनोटेलिक, सेकेंड आर द यूरिकोटेलिक, एंड थर्ड आर द यूरियोटेलिक। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, हमको पढ़ना पड़ेगा ह्यूमन बींग्स अपना एक्सक्रीशन किस रूप में करते हैं, तो आंसर आएगा यूरियोटेलिक। चलिए अब कुछ बात करते हैं, जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, खास तौर पे एनिमल क्लासिफिकेशन जब पढ़ा था, तो हमने पॉरीफेरा सीलेंट्रेटा करते करते लास्ट वर्टिब्रेटा में पहुंचे थे। तो अलग अलग टाइप का एक्सक्रीटरी ऑर्गन था अलग अलग फाइलम में, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ फाइलम में, किस फाइलम में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो थोड़ा सा एक यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबको एक एक करके थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर एक नाम आएगा फ्लेम सेल। फ्लेम सेल ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, फ्लेम सेल, और ये आपका मिलता है फ्लेम सेल प्लेटिहेल्मिंथीज में। कहाँ मिलता है? प्लेटिहेल्मिंथीज में। प्लेटिहेल्मिंथीज का कोई भी एक एनिमल का नाम बताओ तो। प्लेटिहेल्मिंथीज का आपने नाम पढ़े होंगे, प्लेटिहेल्मिंथीज मैंने आपको पूरा पढ़ाया था, ठीक है। तो प्लेटिहेल्मिंथीज में आप प्लेनेरिया लार्वा का नाम बोल सकते हैं, प्लेनेरिया, हाँ वो लार्वा होता है। चलिए हमको तो फिलहाल एक्सक्रीशन देखना, फ्लेम सेल कहाँ मिलता है? प्लेटिहेल्मिंथीज में मिलता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो वो आता है प्रोटोनेफ्रिडिया। एक्चुअली फ्लेम सेल को हम प्रोटोनेफ्रिडिया कह सकते हैं, फिर भी अलग से अगर नाम आए तो प्रोटोनेफ्रिडिया आप कह सकते हैं, ये आप एनिलिडा में यूज कर सकते हैं। दूसरा नाम क्या आएगा? प्रोटोनेफ्रिडिया, ये भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और ये आपको मिल जाएगा एनेलिड्स में। कहाँ मिलेगा? एनेलिड्स में, ठीक है। प्रोटोनेफ्रिडिया, ये दो नाम हो गए। तीसरा नाम अगर हम यहाँ पर याद करना चाहें तो फिर नेफ्रिडिया आ जाएंगे, नेफ्रिडिया। और नेफ्रिडिया हमने पढ़ा था अर्थवॉर्म जैसे लिविंग्स में, और खास तौर पे और भी कुछ एनिलिड्स से उनके अंदर ये मिल सकता है, एनिलिडा में ही ये खास तौर पे पाए जाते हैं। तो
अर्थ बॉम यहाँ पर आप थोड़ा एग्जाम्पल ले लीजिए, अर्थ बॉम स्पेशली। अब आप बोलेंगे सर ऊपर भी एनेलिट्स था, तो वहाँ पर थोड़ा कुछ और एग्जाम्पल ले लीजिए, वहाँ पर एम्फी ऑक्सस ले लीजिए, एम्फी ऑक्सस। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल याद कर लेते हैं। हमको तो इनके नाम याद रखने कि ये सब क्या है, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, नेफ्रिडिया हो गया। अब थोड़ा आर्थ्रोपोडा के पास चलते हैं, आर्थ्रोपोडा में क्या मिलेगा? आर्थ्रोपोडा में कॉकरोच का नाम सबसे पहले आता है, आर्थ्रोपोडा हमारा सिलेबस में भी था कॉकरोच। वहां पर एक्सक्रीशन के लिए मिलती हैं मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। ये पूछा जाता है मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स किस फाइलम में मिलती हैं, क्या काम है? एक्सक्रीशन का काम है, आर्थ्रोपोडा में मिलती हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं तो ग्रीन ग्लैंड का भी नाम आता है, ग्रीन ग्लैंड, ये भी एक्सक्रीशन में मदद करती है। हाँ, और ग्रीन ग्लैंड कहाँ मिलती है? ये खास तौर पे मोलस्का में मिलती है, कुछ ग्रीन ग्लैंड प्रॉन, प्रॉन एक्चुअली आर्थ्रोपोडा में ही आएगा, प्रॉन ये भी आर्थ्रोपोडा में मिलता है। हाँ, आर्थ्रोपोडा में, प्रॉन के अंदर खास तौर पे। झींगा, झींगा मछली होती है एक्चुअली, वो इंसेक्ट होता है और उसी में ये ग्रीन ग्लैंड भी पाया जाता है। किसी में मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स है, किसी में ग्रीन ग्लैंड है, आर्थ्रोपोडा में ही है। मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स का नाम हो गया, ग्रीन ग्लैंड का नाम हो गया। आई थिंक एक और है यहाँ पर, और वो है हमारा जो बेलेनोग्लोसस था, बेलेनोग्लोसस था हेमिकॉर्डेटा में, हेमिकॉर्डेटा वहां पर मौजूद थी प्रोबोसिस ग्लैंड, प्रोबोसिस ग्लैंड, ये भी एक्सक्रीशन में मदद करती है। चलिए अब थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, नेफ्रिडिया क्या होता है और मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स क्या होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इनका ले लेते हैं क्योंकि ये हमारे थोड़ा सिलेबस में था। देखिए अर्थबॉम के अंदर क्या होता है, ये मान लीजिए एक अर्थबॉम हो गया, ये अर्थबॉम की बॉडी हो गई। ठीक है, यहाँ इसका ये डाइजेस्टिव सिस्टम जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब यहाँ पर छोटी छोटी ट्यूब्स हैं इस तरह की, जो बॉडी के बाहर जाकर खुलती हैं और ये ओपनिंग होता है। अब कुछ भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो इन ट्यूब में आता है और फिर वो ट्यूब से बॉडी के बाहर जाता है। कई बार ये जो ट्यूब्स हैं, ये ट्यूब्स इधर डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आके खुलती हैं, तो यहाँ पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इनमें आता है और फिर ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट चला जाता है। तो ये नेफ्रिडिया कहलाती है, जस्ट एक ट्यूबुलर जैसी स्ट्रक्चर है और ये बॉडी के बाहर या अंदर खुलती है और इनसे एक्सक्रीशन होता है। कुछ भी चीज़ है वो डिफ्यूज होके इसमें आएगी और इस ट्यूब से वो बॉडी के बाहर हो जाएगी, इसलिए इन ट्यूब को नाम दिया गया नेफ्रिडिया, बहुत सिंपल टाइप का है। ऐसे ही आर्थ्रोपोडा की मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स की अगर हम बात करें, तो आर्थ्रोपोडा का मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स भी, चूंकि कॉकरोच हमने पूरा पढ़ा हुआ है, वहां पर क्या होता है, इस तरह का जब कॉकरोच का मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, फोर गट मिड गट और हाइंड गट में बांटते हैं, फोर गट मिड गट और हाइंड गट ऐसे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी बॉडी से ट्यूब्स आती हैं और इस जगह पर आकर खुलती हैं। अब ये ट्यूब ट्यूब जो है इस तरह की, मान लीजिए ये ट्यूब है, वो यहाँ पर आकर खुलती हैं मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे, और इनमें बहुत सारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डिफ्यूज होके आता है और ये मटेरियल यहाँ पर जाता है और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से बॉडी से बाहर हो जाता है। तो ये जो आपके ट्यूब्यूल्स हैं, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फोर गट और मिड गट के जंक्शन पे डालती हैं, इनको बोला गया मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, हमें तो केवल कुछ नाम याद करने, फ्लेम सेल एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, प्रोटोनेफ्रिडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, नेफ्रिडिया भी है, इसके बाद मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स है, फिर ग्रीन ग्लैंड है, फिर प्रोबोसिस ग्लैंड है, और हम जैसे ही एडवांस हो जाते हैं, वर्टिब्रेटा में जाते हैं, हमारे पास आ जाता है किडनी। किडनी हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर भी दो किडनी होती हैं जो एक्सक्रेशन में मदद करती हैं। ठीक है,
तो अब हम बात करेंगे कि आखिर ह्यूमन बींग्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर एक्सक्रीशन करने के लिए मौजूद होती हैं दो किडनी, और किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड को फिल्टर करना और ब्लड में से ब्लड को अलग करना और यूरिया को अलग करना, यूरिया विद वाटर, कुछ एक्सेस वाटर जो है वो अलग होना, ये काम करता है आपका किडनी। ठीक है, तो लगातार ये जो यूरिया है वाटर के साथ और एक्सेस मिनरल्स वगैरह इसमें सब आएंगे, ये यूरिन के रूप में हम बॉडी से बाहर रिलीज करते रहते हैं। तो ये फिल्ट्रेशन करने का काम किसका है? किडनी का है ह्यूमन बींग्स में। हमारे पास काफी एडवांस डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है, दो दो किडनी पाई जाती हैं। अब देखते हैं इनकी पोजीशन कहाँ है और ये कैसी होती हैं। देखिए, अगर हम ह्यूमन बींग्स का बॉडी की बात करते हैं तो ये मान लीजिए ह्यूमन बींग्स की बॉडी हो गई। हमारे पास दो चैम्बर हैं, थोरेसिक चैम्बर और एब्डोमिनल चैम्बर, बीच में डायाफ्राम है। ये डायाफ्राम हो गया, ऊपर एब्डोमिनल चैम्बर और नीचे एब्डोमिनल चैम्बर, थोरेसिक और एब्डोमिनल, सॉरी ऊपर थोरेसिक चैम्बर। यहाँ पर जो रिब्स होती है, ये आपके रिब्स होती है इधर, हाँ ऐसे। तो यहाँ डोर्सल साइड में, पीछे की साइड में रिब्स के यहाँ से लेकर और थोड़ा सा ये जस्ट यहाँ पर नीचे, ऊपर तो लीवर रहेगा, लीवर के थोड़ा सा नीचे यहाँ पर किडनी होती है। ये दो किडनी होती है हमारे पास, एक लेफ्ट में एक राइट में। ठीक है, आप बोलेंगे सर यहाँ तो स्टोमक होता है, वो बिल्कुल सही है, ये थोड़ा आगे होता है, वो थोड़ा पीछे होता है, डॉर्सल साइड में होता है, थोड़ा नीचे ही होता है, एकदम जस्ट यहाँ नहीं होता। फिर भी ये माना जाता है कि जो ये लास्ट, ये जो आपके थोरेसिक चैम्बर है, इसकी जो रिब्स आ रही है उनके थोड़ा नीचे यहाँ पर ये पाया जाता है, दो साइड में थोड़ा नीचे कर लीजिए, बस ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो किडनी है, इनको लगातार ब्लड आएगा। हार्ट जो मेन एओर्टा से ब्लड पंप करता है, उसका लगभग 25% ब्लड इन्हीं को आता है सीधा सीधा एओर्टा से, और बाकी का ब्लड ऊपर नीचे इधर उधर जाएगा। तो लगभग 25% ब्लड सीधा छनने के लिए आता है, और यहाँ जब छन जाएगा फिर वो बॉडी से बाहर जाकर वो ये वापस लंग्स के लिए, हार्ट के लिए चला जाएगा। तो देखते हैं आखिर ये किडनी होती कैसी है, कैसे ब्लड छानती हैं, यही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा मैंने पोजीशन बताया, डॉर्सल साइड में है। हर किडनी की अगर बात करें तो इसकी लेंथ जो होती है, किडनी की लेंथ होती है लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर, और इसकी जो विड्थ होती है, एक किडनी की विड्थ जो होती है वो होती है 5 से 7 सेंटीमीटर, और इसका जो थिकनेस होता है वो थिकनेस एक्चुअली होता है लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर। और ओवरऑल एक किडनी का अगर हम वजन लें, एवरेज अगर हम वेट की बात करें, तो वेट इसका होता है लगभग 150 ग्राम के आसपास, फिर भी 120 to 170 ग्राम, लगभग 150 ग्राम की किडनी होती है। तो ये किडनी मैं इस तरह से जो बना रहा हूँ, इसका ये लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, और इसकी थिकनेस, इसका थोड़ा मोटाई भी आपको देखना है, और फिर इसका वजन देखना। ये एक जनरल थोड़ा सा एक मेजरमेंट है, छोटे बच्चों में छोटी रहेगी, बड़े में बड़ी हो जाएगी, तो ऐसा कोई फिक्स इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, केवल अंदाजा लगाना है कि कितना बड़ा ऑर्गन होता है। डॉर्सल साइड में होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है, और दो होते हैं, पेयर में होते हैं किडनी। ठीक है, अब किडनी की बात करते हैं, तो हर एक किडनी जो होती है वो किडनी सेम का जो सीड होता है ना, सेम की फली जो होती है, उसके जैसा इसका शेप होता है। जैसे ये मान लीजिए इस तरह से, इसमें एक आपका ये कॉनकेव सरफेस होती है इस तरह से, ये किडनी का शेप होता है। ठीक है, इसके चारों तरफ बहुत ही बढ़िया से मेम्ब्रेन पाई जाती है, कवरिंग पाई जाती है, जो एकदम टफ कैप्सूल जैसा बनाती है। इसका पूरा प्रोटेक्शन है, टफ कैप्सूल के रूप में इसकी मेम्ब्रेन्स हैं, और
इसका जो ये नोच वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो इस तरह से कॉनकेव जैसा बना रहा है, इस पार्ट को हम बोलते हैं हाइलम। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? हाइलम। ठीक है, ये जो इस तरह का जो शेप जो जो ये अंदर जा रहा है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पोर्शन है, बाकी तो सब फूला हुआ है, केवल यहां से ऐसे थोड़ा सा दबा हुआ है। इस दबे हुए एरिया को, इस पोर्शन को, पूरे पोर्शन को हम बोलते हैं हाइलम। हाइलम नाम का कोई ऑर्गन नहीं है इसमें, ध्यान देना। हाइलम केवल ये जो अंदर की तरफ धसा हुआ जो एरिया है, इसी को हम हाइलम बोलते हैं। ठीक है, और इस हाइलम में एक्चुअली इसका किडनी का इनपुट और आउटपुट मौजूद होता है। तो हर एक किडनी की अगर हम बात करें, एक किडनी में मान लीजिए इधर से और बना देता हूँ, ये एक किडनी और हो गया, इसका भी ये हाइलम वाला पोर्शन मैंने बना दिया, ये एक किडनी हो गया, इसके भी वो टब कैप्सूल चारों तरफ मौजूद है। ठीक है, तो ये इसका हाइलम हो गया, ये इसका हाइलम हो गया। यहाँ पर क्या होता है, इसी जगह से कुछ भी एंटर करेगा और कुछ भी बाहर निकलेगा। खास तौर पे जो एओर्टा होता है, एओर्टा यहाँ पर सीधा हम बात करते हैं रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी यहाँ से निकलेगी, ये आपका एओर्टा हो गया, और एओर्टा से ये जो ब्रांच निकली वो रीनल आर्टरी कहलाई, क्योंकि ये ब्रांच किडनी को ब्लड लेके जा रही है। ये क्या है? किडनी को ब्लड लेके जा रही है, ये आपका एओर्टा है। ब्लड से जो आ रहा था, मेन आर्टरी जो आ रही थी, जो नीचे के और ऑर्गन को ब्लड लेके जा रहा है, वो ये आपका मेन पाइप है। ठीक है, पूरा ब्लड इसमें आ रहा है, हर्ट से आ रहा है, और ये वाला ब्लड यहाँ पर डाइवर्ट हो गया, तो ये जो पार्ट है ये आपका कहलाएगा रीनल आर्टरी। इसमें ब्लड जा रहा है किडनी के लिए, और किडनी के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं रीनल। ऐसे ही इधर गया तो इधर भी गया होगा, हाँ, इसके अंदर भी ब्लड गया होगा। लगभग 1/5 पार्ट इसका ब्लड का इन दोनों किडनी में चला जाता है, तो इनको बोलते हैं रीनल आर्टरी। ध्यान देना, इनको बोलेंगे रीनल आर्टरी। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो ब्लड चला गया, इसके अंदर जाकर वो ब्रांच 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 कर लेगा, जो कुछ भी करेगा यहाँ जाके, और फिर वापस भी तो आएगा निकल के, तो इसी जगह से फिर वो वापस भी आएगा, इसी जगह से फिर वापस आएगा ब्लड यहाँ से, और यहाँ पर एक वेन होगी, एक्चुअली वीना कावा के लिए वो जाएगी, और वो वेन यहाँ से ब्लड को वापस लेके जाएगी। ये मान लीजिए मैंने वेन बना दी, यहाँ से आउटपुट हुआ तो इधर से भी आउटपुट होगा ये, और ये इसी में आके खुलेगा, और ये ब्लड ऐसे जाएगा ऊपर, ये लेके जाएगा इधर, इधर से और गंदा ब्लड आ रहा है, किसी और ऑर्गन से आ रहा है। तो यहाँ से ब्लड जा रहा था, ये पहले इसमें डिलीवर हो गया, और डिलीवर होने के बाद ये वापस चला गया। अब यहाँ पर होगा फिल्ट्रेशन का काम, इस ब्लड में जो आया था उसको छाना जाएगा, छानकर उसका कचरा निकाला जाएगा, और कचरे को एक पाइप से निकालकर हम लेके जाएंगे। यहाँ पर एक पाइप जो होगा वो इस वेस्टेज को कलेक्ट करके जाएगा। तो मैं एक पाइप को यहाँ से निकाला इस तरह से, और ये इसमें आपका यूरिन आएगा कलेक्ट होके। देखिए, ब्लड आया, ब्लड चला गया, लेकिन जो छना, जो कचरा है, जो वेस्टेज है, जो यूरिन है, वो यूरिन भी तो कलेक्ट होके आएगा ना, तो वो यूरिन यहाँ से कलेक्ट होके आ जाएगा, और यहाँ पर लाकर एक यूरिनरी ब्लेडर में उसको ड्रॉप किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा यूरिन को, और यूरिनरी ब्लेडर से यूरेथ्रा के माध्यम से, जैसे ये आपका यूरिनरी ब्लेडर है, तो इसमें से यूरेथ्रा निकलेगा, वो बॉडी से बाहर यूरिन को टाइम टू टाइम रिलीज हम करते रहेंगे। तो इस तरह से मैं केवल एक जनरल आपको बताया कि आखिर किडनी में हो क्या रहा है। अब इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड नाम है, जब हम किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि आखिर क्या है अंदर। आप इसको एकदम सिंपल फॉर्म में समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, किडनी में क्या हो रहा है, मैं एक बार फिर से किडनी बनाऊंगा। यहाँ पर अभी जो मैंने ये बाइकॉन के वाला जो पार्ट बनाया था, ये और इस तरह से ये मान लीजिए आपका किडनी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से जो यूरेटर निकला था, ये क्या था? यूरेटर निकला यूरिन को कलेक्ट करके। देखिए, ब्लड आया होगा, ब्लड जा रहा है, वो बात अलग है,
मैं यूरेटर की बात करता हूं, तो यूरेटर का जो पार्ट है वो यहां पर कुछ फनल के जैसा होता है, कुछ इस तरह का फनल। फनल कैसा होता है? इस तरह का ये वाला पार्ट, इसको हम फनल बोलते हैं। तो बिल्कुल यहां पर क्या है, इस तरह का ये पार्ट और ये पार्ट इस तरह से, और फिर यहां पर ये ट्यूब बनाता है इस तरह से। ये फनल जैसा पार्ट यहां पर देखने को मिलता है। एक बार दोबारा से इसको समझने की कोशिश करना। हर किडनी के अंदर क्या हो रहा है, ये इस तरह का और इस तरह का ये फनल जैसा जो पार्ट है वो ही यूरेटर बनाकर ये ऐसे आ रहा है। ये आपका फनल हो गया, ठीक है। इस फनल को, ये जो एरिया है, जो चेंबर है, इसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। इसको क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस, ठीक है, रीनल पेल्विस बोलते हैं। और रीनल पेल्विस में जो ये फनल है, इसमें भी क्या है, कुछ इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं, इस तरह से, इस तरह से कुछ ये मिलता है देखने को। मैं थोड़ा सा ये और इस तरह से बना दीजिए। मतलब जो ये फनल है, ये फनल में नॉर्मल फनल ऐसे होती, लेकिन यहां पर फनल क्या है, इस तरह का फनल बना हुआ है, ये इस तरह का फनल बना हुआ है। तो ये जो चैम्बर है, यहां पर एक्चुअली जब ब्लड आए, ब्लड छन के यूरिन आएगा तो थोड़ी देर यहां इकट्ठा होगा, फिर ये पाइप से निकल के जाएगा। इस पाइप को बोलते हैं यूरेटर। इस पाइप को क्या बोलते हैं? यूरेटर। इसको बोला रीनल पेल्विस। और ये जो इस तरह के ऊपर उभरे हुए जो पार्ट बने, ये वाले जो पार्ट बने हैं, हाँ, ये जो निकल निकल के इस तरह की जो आउटग्रोथ सी बन रहा है, इन आउटग्रोथ को, जैसे ये जो बना यहां से लेके यहां तक का ये जो बना, इसको बोलते हैं कैलिक्स। इसको क्या बोलते हैं? कैलिक्स। हाँ, तो ये सभी बहुत सारे कैलिक्स पाए जाते हैं इस रीनल पेल्विस के इस फनल जैसे शेप में, इनको कैलिक्स बोलते हैं। और इस कैलिक्स के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर किडनी का मेडुला पोर्शन होता है, अलग अलग पिरामिड जैसे यहां पर ये पाए जाते हैं, पिरामिड पिरामिड के रूप में ये मेडुला पार्ट होता है इस तरह का। ये आपका मेडुला पार्ट है, ठीक है, ये वाला। हर कैलिक्स के ऊपर ये मेडुला लगा हुआ है। और मेडुला के बाहर यहां पर हम बात करते हैं तो ये जो बाकी का पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन अभी है किडनी का, ये कहलाता है कॉर्टेक्स। ये बाहर वाला क्या कहलाएगा? कॉर्टेक्स। और ये जो बीच में ये छोटे छोटे पिरामिड बने, ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे मेडुला, मेडुलरी पिरामिड कहलाएंगे, मेडुलरी पिरामिड। बस इसमें नाम थोड़ा से कॉम्प्लिकेटेड है। अब आप देखिए कि ये वाला जो पोर्शन है जिसको मैं कॉर्टेक्स बोल रहा हूं, ये कॉर्टेक्स यहां पर भी जा रहा है, देखिए अंदर। तो ये कॉर्टेक्स को मैं अगर इस तरह से फोटो बनाऊं, कॉर्टेक्स, तो यहां पर बीच बीच में ये ऐसे अंदर अंदर जा रहा है। ये क्या है? कॉर्टेक्स अंदर अंदर जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना। और इसमें फंसे है मेडुला, यहां पर क्या है? मेडुला है। तो कहीं ना कहीं कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट अंदर तक जा रहा है। देखिए ये वाला पार्ट, देखिए अंदर तक आ रहा है कॉर्टेक्स। नॉर्मल कॉर्टेक्स कहां तक है? ये वाला पार्ट कॉर्टेक्स है, ये बाहर वाला, ये वाला कॉर्टेक्स है और ये वाला मेडुला का एरिया है। लेकिन ये कॉर्टेक्स अंदर तक एक्सटेंड हो रहा है बिटवीन द टू मेडुलरी पिरामिड, बिटवीन द टू मेडुलरी पिरामिड दिस कॉर्टेक्स एरिया इज ऑल्सो एक्सटेंडेड एंड दिस पार्ट विच इज फाउंड बिटवीन द मेडुलरी रेज, ये जो पार्ट है आपका, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो अंदर तक जा रहा है, इसको हम बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी। इसको क्या बोलते हैं? कॉलम ऑफ बर्टिनी। तो ये थोड़ा सा आपको कॉलम ऑफ बर्टिनी भी नाम याद रखना है, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम पे ही पड़ा है, उन्होंने थोड़ा इसको देखा था, कॉलम ऑफ बर्टिनी। पुर्किंजे फाइबर हर्ट में थे, कॉलम ऑफ बर्टिनी किडनी के अंदर है, ऐसे बहुत सारे नाम आएंगे जो आपको याद रखने चाहिए। तो ये मैं एक जनरल आपको समझाता जा रहा था। देखिए ये जो दो शब्द हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला, एक शब्द आता है कॉर्टेक्स और एक आता है मेडुला। ये शब्द बार बार आते हैं,
बायोलॉजी में। कॉर्टेक्स होता है बाहर का आउटर पार्ट और मेडुला होता है इनर सेंट्रल पार्ट। इनर सेंट्रल पार्ट, जैसे हम ब्रेन की बात करते हैं, हम ब्रेन की बात करते हैं, ये ब्रेन, तो ये बाहर का जो एरिया है, ये जो आउटर पार्ट है, ये आपका कहलाता है कॉर्टेक्स, और अंदर का जो पार्ट होता है वो कहलाता है मेडुला। ठीक है, आप देखिए जब हम किडनी की बात कर रहे हैं, तो ये जो बाहर का एरिया है आउटर वाला, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया कहलाता है कॉर्टेक्स, और ये वाला एरिया, ये कहलाता है मेडुला अंदर वाला। जब हम एड्रिनल ग्लैंड की बात करेंगे, जब हम ये किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड भी होती है जो एड्रिनलिन हार्मोन सीक्रेट करती है, इसकी भी बात करेंगे, तो ये ग्लैंड भी क्या है, बाहर बाहर तो इसका ये वाला पार्ट कॉर्टेक्स कहलाएगा और अंदर वाला ये पार्ट मेडुला कहलाएगा। इसके अंदर ये जो अंदर का एरिया है ये मेडुला हो जाएगा, ये पार्ट इसका कॉर्टेक्स हो जाएगा। तो ये शब्द हमेशा काम आते हैं, किडनी में ये वाला कॉर्टेक्स है, ये वाला मेडुला। अब मेडुला यहाँ कंटिन्यूअस ना होकर इस तरह के पिरामिड के रूप में मिलता है, ये आपका मेडुला था, और ये मेडुला के पिरामिड जो है वो, ये जो आपका रीनल पेल्विस था, उनकी इन कैलिक्स के ऊपर ही पाए जाते हैं लगे हुए, इस तरह से वो जो कैलिक्स है उनके ऊपर लगे हुए पाए जा रहे हैं। ये रीनल पेल्विस, ये आपका कैलिक्स हो गया, कैलिक्स के ऊपर मेडुलरी पिरामिड, और ये जो कॉर्टेक्स है वो दो पिरामिड के बीच में अंदर तक आया है, ये पार्ट अंदर तक आ रहा है, देखिए ये वाला पार्ट, ये पिरामिड, ये जो कॉर्टेक्स है वो अंदर तक आ रहा है, पिरामिड के बीच में आ रहा है। तो ये जो बीच का जो एक्सटेंडेड पार्ट है, ये जो आपका पिरामिड का इस तरह से ये जो पार्ट है वो अंदर तक जो जा रहा है, इसको बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी। अब मैं आपको मेन डायग्राम समझाता हूं, देखिए ये तो हमारा ओवरऑल ह्यूमन एक्स यूरिनरी सिस्टम था, दो किडनी थी, किडनी में आपका वीना कावा ब्लड लेके जा रहा है और एओर्टा जो है वो आपका ब्लड लेके आ रहा है। ठीक है, अब ये जो यहाँ से ब्रांच किडनी को निकली, ये आपके रीनल आर्टरी हो गई, आर्टरी से निकल रही है रीनल आर्टरी, ये रीनल आर्टरी, इसमें से वेन गई होगी वो इसमें चली गई रीनल वेन, इसमें से भी वेन गई वो रीनल वेन चली गई, तो ये तो ब्लड आया और ये लेके गया। यहाँ जो छना वो ये यूरेटर लेके आया, इधर जो छना वो ये यूरेटर लेके आया, और यूरेटर ने यूरिनरी ब्लैडर में अपना यूरिन कलेक्ट कर दिया और यूरेथ्रा से इसको बॉडी से बाहर करते हैं। ये तो एक जनरल डायग्राम है, क्लास टेंथ में भी समझाया था हमने, आराम से समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, अब मेन है किडनी, किडनी के अंदर बहुत सारे टेक्निकल शब्द हैं, देखिए ये थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये जो नोच वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो एरिया है जहां लगातार रीनल आर्टरी आ रही है, रीनल वेन जा रही है, यूरेटर निकल रहा है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड हाइलम। हाइलम नाम का कोई ऑर्गन यहां नहीं दिखेगा, हाइलम इज द पार्ट थ्रू विच द रीनल आर्टरी, रीनल वेन एंड यूरेटर आर इमर्ज्ड फ्रॉम द किडनी। इसके बाद ये जो हमारा यूरेटर है, देखिए ये जो यूरेटर है, ये यूरेटर अंदर जाकर एक फनल के जैसा बन रहा है, एक मैंने आपको अभी फनल जैसा दिखाया था, ये फनल जैसा जो बन रहा है, ये जो चेंबर बना फनल के जैसा, इसको बोलते रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस में ये जो आउटग्रोथ जैसी हो रही है, ये जो आउटग्रोथ हो रही है, देखिए यहां पर ये जो आउटग्रोथ हुआ, ये जो प्लांट जैसा आपको दिख रहा है, ये पार्ट कहलाता है आपका कैलिक्स, और इस कैलिक्स के ऊपर ये रखा है मेडुला। कैलिक्स के ऊपर कौन रखा है? मेडुला रखा हुआ है, ये आपका कैलिक्स के ऊपर मेडुला रखा हुआ है। मेडुला ये बीच वाला पार्ट, ये पूरा रेड कलर का है, ये पूरा मेडुला है, और किडनी का जो आउटर पार्ट है ये वाला कॉर्टेक्स पार्ट है, ये वाला कॉर्टेक्स है, ये वाला, ये कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है, इधर रीनल पेल्विस है, बस यही तो है इसमें। अब देखिए इस कॉर्टेक्स का पार्ट दो मेडुलरी पिरामिड के बीच में अंदर तक आ रहा है, अंदर तक आ रहा है, ये देखिए अंदर तक आ रहा है, ये जो अंदर तक जो पार्ट एक्सटेंड हो रहा है ये आपका कहलाता है कॉलम ऑफ बर्टिनी। ये क्या कहलाता है? कॉलम ऑफ बर्टिनी, ये नाम याद रखना, कॉलम ऑफ बर्टिनी। ठीक है, ये कॉलम ऑफ बर्टिनी हो गया, ये मेडुलरी पिरामिड हो गए, पूरा ये पार्ट आपका मेडुला कहलाएगा, सबको कलेक्टिवली अगर बोले तो मेडुला, ये आउटर पार्ट है वो आपका
ऑर्टेक्स हो जाएगा, ये रीनल पेल्विस, कैलिक्स और रीनल आर्टरी आएगी, रीनल वेन जाएगी, यूरेटर यूरिन कलेक्ट करेगा, यूरिनरी ब्लेडर में स्टोर करेगा, थ्रू द यूरेथ्रा उसको बॉडी से बाहर किया जाएगा। आई थिंक ये किडनी अगर सही ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, अपने हिसाब से थोड़ा इसको इमेजिनेशन करेंगे तो बहुत सिंपल है, नहीं तो इसमें नाम बहुत सारे हैं, आप ये ढूंढते रह जाओगे कि हाइलम कहाँ है, तो वो दिखेगा ही नहीं इसमें हाइलम कहाँ है। आप बोलेंगे कॉलम ऑफ बर्टनी नहीं दिख रहा है, तो भैया बर्टनी क्या है, वो बर्टनी ने बता दिया कि ये एक्सटेंडेड पार्ट को नाम दे दिया। अब बायोलॉजी में तो नाम ही नाम बस दिए गए हैं, जितने नाम आपको याद होते जाएंगे उतना ही बायोलॉजी आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो मैं किडनी में खास तौर पे आपको समझना था, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में भी आया होगा। कल थोड़ा बात करेंगे कि किडनी में फिल्टर करने वाली यूनिट कैसी होती है, कहाँ होती है, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए तो केवल इतना है।